हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे जबरदस्त होंगे। मेरा नाम हरिदर्शन थापा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और मैं हूं अभी गाड़ी में और एक हाईवे में चल रहा हूं अभी, और ये है NH 109 जो कि कनेक्ट करती है यहां से हल्द्वानी को। तो मेरा सफर आज शुरू हुआ है यहां से, अपने घर से हल्द्वानी तक का। तो मैं अभी तो लगभग कहां पर कफड़ा से आगे पहुंच चुका हूं। गगास इस जगह का नाम है जहां पर मैं अभी हूं, और गगास पे एक नदी है जिसका नाम ही गगास है, और इसके पार पे यहाँ पे सब्जियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं। तो अभी मैं रास्ते में हूँ और चल रहा हूँ, साथ में है मम्मी जो पीछे पे शायद से सो चुके हैं, मम्मी सोए हुए हैं। तो मम्मी अभी जा रहे हैं दिल्ली के लिए, और मम्मी को हम छोड़ने जा रहे हैं अभी हल्द्वानी तक के लिए। मम्मी हम हल्द्वानी में ड्रॉप करेंगे, वहाँ से भैया आएंगे लेने के लिए, दादा आएंगे मम्मी को लेके दिल्ली को लेके जाएंगे। और साथ में मेरे साथ है सूरज जो है हमारे साथ में आज पूरे रास्ते में। तो आज हम जाएंगे हल्द्वानी और आज ही हम लोग वहाँ से करेंगे रिटर्न। तो देखते हैं क्या क्या आज के दिन में होता है, बाकी आगे अपडेट देता हूँ रास्ते के साथ में। तो यार अभी अपन लोग पहुँच चुके हैं रानीखेत पे, और रानीखेत जो है पूरा का पूरा कैंटोनमेंट एरिया है, यानी कि छावनी परिसर है। और छावनी परिसर यहाँ पे जो है कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर है, और छावनी परिसर के आसपास का मूड माहौल कुछ अलग सा ही बना हुआ रहता है। साफ सफाई बहुत बढ़िया सी होती है, रोडें बहुत सही सी होती हैं, और साथ में जो देखने के लिए जगह मिलती है ना वो बहुत अच्छी सी मिलती है। तो ये छावनी परिसर रानीखेत में अभी में है हम लोग हैं, और हम अभी ऊपर माल रोड के रास्ते निकल रहे हैं। यहाँ से मेन जो मेन मार्केट वाला रास्ता है ना, उस पर क्या होता है कंजेस्टेड रहता है, मार्केट भी रहती है, और सुबह के टाइम पे वैसे ही बड़ी गाड़ियाँ सामान उतार रही होती है मार्केट का। उसके बाद तो वहाँ से मतलब एंट्री ही बंद हो जाती है मार्केट की। और यहाँ पर रानीखेत से ना बहुत बढ़िया व्यू दिखाई देता है हिमालय का, और ये पाठक बेकरी है। यहाँ पर से बहुत बार हम आए हुए थे, यहाँ पे खाने के लिए आते थे बेकरी पे। तो कुछ ऐसा मूड माहौल बना हुआ है रानीखेत छावनी परिसर का। तो देखते हैं अभी आगे आगे क्या क्या देखने को मिलता है इस रास्ते में। यहाँ से रास्ता जाता है रानी झील के लिए, कभी समय मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे रानी झील। बहुत पहले गया था एक बार, तो उस समय पे गया था कि तब वो उतना मेंटेन भी नहीं था, आज की डेट में तो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। तो जी जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी छावनी परिसर रानीखेत में हूँ, यानी कि कैंटोनमेंट एरिया के अंदर में हूँ, और ये छावनी परिसर है कुमाऊं रेजिमेंट की। और कुमाऊं रेजिमेंट से मुझे एक बात आप लोगों को ध्यान आई कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, और शायद आप लोगों को पता भी होगा कि हमारा जो पहला परमवीर चक्र मिला था वो कुमाऊं रेजिमेंट को मिला था, और वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। वो कुमाऊं रेजिमेंट से थे मेजर सोमनाथ शर्मा, तो उनको पहला परमवीर चक्र मिला हुआ था, और उन्हीं के नाम पे यहाँ पे सोमनाथ ग्राउंड भी है, और रानीखेत जो भी कैंटोनमेंट एरिया है सोमनाथ जी के नाम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। तो यहाँ पर अभी सूरज भर रहा है गाड़ी पे हवा, और ये ना अपना इक्विपमेंट लेके चलता है जो हवा बनने वाला, ये अच्छा चल रहा है। तो जी हम रानीखेत कैंट से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। रानीखेत में जो कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर है उसके बारे में दो चार बातें आप लोगों को और बताता हूँ। कुमाऊं रेजिमेंट का जो गठन हुआ था वो सबसे पहले हैदराबाद में साथ में हुआ था, उसके साथ यहाँ पर विलय हुआ, और यहाँ पे आज कुमाऊं रेजिमेंट है। और इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया सन 1788 मतलब 1788 में कुमाऊं रेजिमेंट का गठन हो चुका था। तो आज शौर्य और पराक्रम की गाथाएँ आप लोग सुनते हैं कुमाऊं रेजिमेंट की, उसका सेंटर यहीं रानीखेत में है, और वहीं पर अभी भी खड़ा होकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो जी अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं बाबा नीम करौली महाराज के दरवाजे के सामने, जो मेक मुख्य गेट है यहीं से इसका मुख्य गेट है, परंतु हम अंदर तो अभी जा नहीं पाएंगे क्योंकि हम तो जा रहे हैं आगे की ओर को, पर यहाँ पर से ही मुख्य गेट है। और इस पर पूरी ना आगे को पूरा जाम लगा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आ रहे होंगे, 3-4 दिन से लगातार छुट्टियाँ थी, तो उस छुट्टियों का एंजॉय करने के लिए लोग बाग यहाँ पहुँच रहे होंगे, इस वजह से पूरे जाम लगा हुआ है। तो परम पूजनीय बाबा श्री नीम करौली महाराज का यहाँ पर मंदिर है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी भीड़ होती है, और आप लोग सभी जानते हैं नीम करौली महाराज के बारे में। तो यहाँ पे कैंची पे है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। तो जी अभी अपन लोग पहुँच चुके हैं भवाली की बाजार में, और ये भवाली की मार्केट थी जो पीछे थोड़ा सा निकल चुकी है। यहाँ पे भवाली का मंदिर है, और ये अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हुए चलचित्र कुछ बने हुए हैं यहाँ पे चित्र। तो यहाँ से आगे से एक रोड मुक्तेश्वर के लिए कट जाती है, हम तो मुक्तेश्वर को नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बाया भीमताल होते हुए हल्द्वानी की ओर को। तो जी हम पहुँच चुके हैं भीमताल पे, और ये पूरा भी सामने आप लोग भीमताल दिखाई दे रहा है, देखो कितना प्यारा सा लग रहा है, पूरा पूरा अभी भरा हुआ है भीमताल, और सामने बोटिंग भी हो रही है बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये कुछ व्यू भीमताल का यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो हम अभी भीमताल वाले रास्ते पे हैं, और यहाँ से हल्द्वानी मात्र यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है।
तो जी सामने पूरा प्यारा प्यारा सा भीमताल की लेक दिख रही है और बीच में वो टापू सा दिख रहा है और उधर साइड में आप लोगों को डैम दिख रहा होगा। तो उस डैम पे ही सारा पूरा भीमताल टिका हुआ है। इस डैम पे बेस पे ही डैम जो है बहुत पुराना बना हुआ है और आज क्या है ना हर जगह हमें ट्रैफिक जैम मिल रहा है लगातार से। अभी भी आगे को पूरा जाम लगा हुआ है, इसी वजह से हम भीमताल पे रुक पाए और यहाँ पर भीमताल आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ मैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे हल्द्वानी पे भी और मम्मी को मैंने दीदी के यहाँ पे पहुँचाया था और उनको वहाँ पे ड्रॉप करने के बाद वहाँ हमने बढ़िया सा किया लंच, मज़ेदार सा लंच करने के बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं हल्द्वानी की साइड में। कुछ काम है अपने वो पूरा करेंगे, उसके बाद आज ही हम रिटर्न करेंगे यहाँ से घर की ओर को। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यार अभी हल्द्वानी में पहुँच चुके हैं, हल्द्वानी में अभी ले रहे हैं रिक्शे के मज़े। रिक्शे वाले चचा भी चल रहे हैं इधर से, पीछे से कुछ लोग भी अपने साथ वाले आ रहे हैं पीछे वाली गाड़ी में, वो लोग पीछे दिखाई दे रहे हैं। और हम लोग अभी हल्द्वानी में हैं और अभी रिक्शा पे सवारी कर रहे हैं और यार ये लोग तो हमसे आगे निकल रहे हैं। कुछ ऐसा मूड माहौल बना हुआ है यार, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी भी। और जैसे कि आपने देखा यार हमारे इधर दुनागिरी में तो अभी भी मौसम ठंडा ही है, पर यहाँ पर गर्मी हो रही है और हम आप में आ चुके हैं, वहाँ से हम भालू बन के आए। तो अभी मैं हूँ हल्द्वानी की इस मार्केट पे, ये मार्केट है कालूसाई मंदिर के ठीक सामने की। तो जी अभी समय हो चुका है 5:30 शाम के और अभी भी हम लोग हल्द्वानी में ही घूम रहे हैं। अभी हम लोग हैं आपका काठगोदाम साइड पे पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, तो देखते हैं कब तक हम घर पे पहुंच पाते हैं। तो कुछ आज का दिन तो कुछ ऐसा रहा कि दिन भर मतलब भाग दौड़ ही रही और थोड़ा बहुत मार्केट गए थे हल्द्वानी मार्केट में, कुछ वहाँ से भी ख़रीदा है, अनबॉक्सिंग करेंगे उसकी भी, उसको भी बताएंगे क्या ख़रीदा है और समय पर आपको पता लगेगा वो भी क्या चीज़ खरीदी है।